Hello everyone. Hi. This is Shinjan. This is Debanjali. And welcome to our channel. And कल मैंने परसों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पे मैंने पूछा था चॉइस इज योर्स. तो चॉइस इज योर्स पे हम लोगों का वोटिंग हुआ था कि कांचीपुरम का एपिसोड किया जाए कि बनारसी का किया जाए. तो और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किसने तो किसने वोट जीता आप लोगों को पता चल ही चुका है, क्योंकि आज का एपिसोड जो है वो कांचीपुरम का है. और एक्चुअली कांचीपुरम का बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि कांचीपुरम का ही एपिसोड बनाए. मतलब अगर रेशियो करें तो 60-40 था, बनारसी भी कुछ कम नहीं जा रहा था. तो नेक्स्ट एपिसोड शायद हम बनारसी में करेंगे आई गेस. सो इस एपिसोड कांचीपुरम का ही है. पर कांचीपुरम का जो कमेंट आया था उसमें से भी बहुत लोगों ने ये कहा था कि 5000 के अंदर अगर कुछ कांचीपुरम दिखाया जाए तो बहुत अच्छा होगा. तो मान लीजिए उन्हीं में से किसी जिन लोगों ने लिखा था हमने उसका कमेंट को फीडबैक हिसाब से ले लिया और उसका बात मान लिया. तो आज का एपिसोड इट्स ऑल अबाउट सारीज विद इन 5000 और अप्रोक्सीमेटली नियर अप्स लिटिल बिट अप एंड डाउन ऑफ रुपीज 5000 ऑफ कोर्स. एंड द एपिसोड विल बी एंटायरली सिल्क मार्क सर्टिफाइड एंड हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड. सो 5000 के अंदर सिल्क मार्क एंड हैंडलूम मार्क दोनों सर्टिफाइड रहेगा. और एपिसोड शुरू करने से पहले और एक बात बताना चाहूंगा, दैट इज हैप्पी पोंगल. साउथ इंडिया के जितने एक्चुअली व्यूअर्स हैं हम लोगों का, उन सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी पोंगल. क्योंकि ये वो लोग यू नो आज के दिन 14 जनवरी तो परमानेंट है, डेट फिक्स्ड है. और ये ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया, आई एम रियली सॉरी दैट आई सेड दैट. एक्चुअली ये मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएसए, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी कंट्रीज में यू नो सेलिब्रेट किया जाता है. एंड मानते भी हैं. हैप्पी पोंगल एवरीवन. साउथ इंडिया में जो लोग आप लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, और नॉर्थ इंडियंस को मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति. एंड मकर संक्रांति क्योंकि एक यही वो दिन है 14th और 15th जनवरी अल्टरनेटिवली हर साल थोड़ा डे डिटेल उधर होता है. तो हम लोग जैसे यहाँ पे बंगाल में वी आर सेलिब्रेटिंग संक्रांति एंड वी कॉल इट पौष संक्रांति. पौष इज द लास्ट पौष इज द मंथ इन बंगाली कैलेंडर. सो ऐसे ही सो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही है. तो आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं. आप लोग जहाँ पे भी जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के रिचुअल्स को, आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से इसे एंजॉय किया होगा. ओके, तो एंजॉय जरूर किए होंगे और कर रहे होंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम. इतने एंजॉयमेंट के बीच में भी हमारे प्रोग्राम वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच. और ये कम्युनिटी पोस्ट देख के उसमें कमेंट करने के लिए. या ऑफकोर्स, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों का, योर फीडबैक इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो एनी वेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एपिसोड कि क्या क्या लाए आप लोगों के लिए. पहले वो दिखाते और आगे बात करेंगे. सो द कांचीपुरम सागा कंटिन्यूज एंड दिस इज चैप्टर 2. लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बोला था कि ये कांचीपुरम के ऊपर बॉर्डरलेस कांचीपुरम का एपिसोड है. और ये सिर्फ एक ही कांचीपुरम का एपिसोड नहीं है, हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के कांचीपुरम साड़ियां आप लोगों के लिए लाएंगे. और वादे के अनुसार एक और एपिसोड हम आप लोगों के लिए लाए हैं. और आप लोगों के रिक्वेस्ट में ही हम लोगों ने बिलो 5000 का एपिसोड बनाया है. और क्योंकि ये सभी साड़ियां सिल्क मार्क और हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड है, सो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए. सभी साड़ियां एकदम प्योर कांचीपुरम सिल्क है, थोड़े सिंपल और एलिगेंट डिजाइन में है. क्योंकि इस प्राइस रेंज में ब्रोकेट कांजीवरम या हेवी वर्क वाले कांजीवरम हम लोग प्योर में नहीं दे सकेंगे. तो आप लोग एकदम आग बंद करके निश्चिंत रहिए, मतलब आग खोलकर एपिसोड देखिए, पर सभी साड़ियां प्योर होंगी, ये मेरा हम दोनों का वादा है आप लोगों से. और ये है पहला साड़ी, एक बहुत क्यूट कलर में. Yeah, this is a very cute pink and जैसे कि Debanjali ने कहा, साड़ी में वर्क बहुत ही एलिगेंट रहेगा, बहुत सटल रहेगा. पर द साड़ी विल बी 100% हैंडलूम, हैंडमेड एंड हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड. एंड दिस साड़ीज विल बी 2-ply. द सिल्क विल बी 2-ply. दिस विल नॉट बी 4-ply, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द प्राइस आप लोग समझ ही पा रहे हैं. तो दिस विल बी 100% 2-ply सिल्क ऑफ कांचीपुरम. एंड यहाँ पे देखिए एक नैरो बॉर्डर मिलेगा. सो दिस इज द ब्लाउज पीस, यू कैन सी द कंट्रास्ट. दिस इज द कंट्रास्ट, बेसिकली ये आंचल है, दिस इज द आंचल कलर एंड दिस इज द ब्लाउज पीस कलर. तो ब्लाउज पीस कलर हमने आंचल के साथ मैच करके दिया है. और जैसे कि
मैंने कहा ये ब्लाउज पीस है, तो ये देखिए एक मतलब वर्क जो है, ये वर्क आपको दोनों स्लीव्स में देने के लिए मिलेगा और दोनों अलग अलग कलर में मिलेगा। जैसे कि आप ये राइट में दे सकते हैं या लेफ्ट में, वो आपकी मर्जी, पर इसमें दोनों तरफ में आपको ये नैरो जरी का बॉर्डर मिलेगा। सो दिस इज द ब्लाउज पीस, आप लोगों को मैं दिखा दूँ द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक एंड 100% सिल्क। और आंचल आ गया, अभी देखिए ब्लाउज पीस के कलर के साथ आंचल पूरा मैच हो रहा है, पर आंचल में देखिए ये जो बूटा है, जो कलका है, ये बॉडी में भी सेम कलर नक्शा से है, पर बेस कलर हमने आंचल में चेंज कर दिया। और ये नैरो बॉर्डर कंटिन्यू पूरा ऑल ओवर साड़ी में रहेगा, और यही जो नक्शा है वो हम लोगों ने ब्लाउज पीस में भी डाला है। सो आंचल में ऐसे छोटे छोटे कलका मोटिव का हैंडवर्क रहेगा। और यहाँ पे देखिए दिस इज सो लवली कलर, दिस इज अ वेरी लवली कलर। मैं आप लोगों को और क्लोजअप दिखा दूँ, देखिए आप लोग ऑल्टरनेट कलर्स में ऐसे बॉर्डर जा रहा है, दिस इज द बॉर्डर। और यहाँ पे देखिए दिस इज द वर्क, एकदम क्लोजअप जाके दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए। सो दिस इज द वर्क, जैसे कि ऑल्टरनेट कलर्स में जा रहा है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा ज्यादा है डेंसिटी, यहाँ पे वर्क का ज्यादा है, क्योंकि ये यॉक पोर्शन में रहेगा और ये दिखेगा आपको, ये आपका नेक लाइन और शोल्डर लाइन की तरफ ये आएगा, जैसे कि आप ड्रेप करेंगे साड़ी को, आंचल का शोल्डर लाइन और नेक लाइन की तरफ आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे वर्क ज़्यादा है। और जैसे कि प्लीट के तरफ जाएगा वर्क थोड़ा हल्का हो जाएगा, और हल्का इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ये बजट रेंज का साड़ी है, तो इसमें हमको बजट को ध्यान में रखना पड़ता है। पर हैंडलूम भी देंगे इसमें, पावर लूम हमने 100% एकदम यू मतलब टेक्निक इस्तेमाल ही नहीं किया, पूरा साड़ी हैंडमेड है, इसीलिए ये आप लोगों को मैं पहले बार बार कह रहा हूँ कि इस प्राइस रेंज में हम लोग आपको 100% हैंडलूम साड़ियाँ दे रहे हैं। और पूरा ऑल ओवर साड़ी ऐसे जाएगा, एकदम प्लेन एंड सिंपल, पर ये सुंदर जो बॉर्डर है और ये नक्शा है, ये पूरा ऑल ओवर साड़ी में रहेगा। और ये साड़ी का प्राइस आ गया, साड़ी का प्राइस है 4920, 4920 रुपया ये साड़ी का प्राइस है, और ये वादे के अनुसार 5000 के नीचे ही है। तो नेक्स्ट साड़ी देखेंगे, और आप लोग देख रहे हैं कि एकदम नया आया है, एकदम हम लोग के कारीगर से आप लोगों के लिए बनाने के लिए एपिसोड हम लोगों ने स्पेशली मंगवाया है साड़ियाँ, जो एकदम न्यूली वीव करके आया है, क्योंकि वो लोग के पास मैंने कहा कि जितना साड़ियाँ तुम्हारे पास रेडी है मुझे सभी भेज दो, क्योंकि इसके बाद एक हफ्ते तक आप तुम लोगों को मैं फ़ोन में नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि पोंगल फेस्टिवल में वो लोग सभी बहुत बिजी हो जाएंगे और मैं किसी को फ़ोन करके नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जो भी रेडी है भाई तुम भेज दो, तो ये सब साड़ियाँ आ गए आप लोगों के लिए। और ये भी ये इस एपिसोड का कांजीवरम एपिसोड का, ये देखिए न आँचल देखिए कितना हैवी है, ये थोड़ा रिच पल्लू में है। और ये जैसे कि मैंने कहा ये देखिए ब्लाउज पीस एकदम आंचल के साथ मैच करके दिया हुआ है। सो ये नक्शा जो है ये पूरा हैंडलूम है, मैं आप लोगों को एक बार वीविंग टेक्सचर दिखा दूँ। सो दिस इज द रिवर्स साइड ऑफ द वीविंग, देखिए ये पूरा हैंडलूम है, पूरा हैंडमेड है, देखिए दिस इज द रिवर्स साइड एंड दिस इज द फ्रंट साइड। सो आप लोग देख सकते हैं कि वर्क फिनिशिंग में, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ मैं 10 दिन ज़्यादा टाइम लूँगा आप लोगों से फिनिश करने के लिए, पर मैं आप लोगों को एकदम 100% फिनिश्ड प्रोडक्ट दूंगा। मैं फिनिशिंग में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, भले ही 10 दिन टाइम ज़्यादा लगे तो उसमें कोई बात नहीं, पर आप लोगों को एकदम सही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ये सब साड़ियाँ रेडी होकर आ गया है ऑलरेडी, तो ये सब साड़ियाँ मैंने पोंगल फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही मंगवा लिया था आप लोगों के लिए कि भाई तुम फेस्टिवल आराम से इंजॉय करो, पर साड़ियाँ भेज दो, हमें एपिसोड बनाना है। कांचीपुरम सागा ऑलरेडी चालू हो गया है। तो ये आंचल है, देखिए आंचल का नक्शा जो है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ऑल द नक्शाज विच वी हैव यूज्ड आर 100% ट्रेडिशनल। आप लोगों को मैं क्लोजअप दिखा दूं वर्क फिनिशिंग का, और जरी का भी क्वालिटी देखिए, भले ही साड़ी का दाम कम रखा है हम लोगों ने, क्योंकि वर्क कम दिया है, जरी का इस्तेमाल कम किया है, इसीलिए प्राइस कम है, क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, और इसीलिए हैंडलूम मार्क और सिल्क मार्क सर्टिफाइड दे सकता हूँ आप लोगों को। और ये आंचल में देखिए क्रॉस्टेड है, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर और पर्पल कलर का क्रॉस्टेड है, और मैं एक बार वाइड व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को, दिस इज द आंचल एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द साड़ी। और यहाँ पे देखिए ये आउटलाइन दिया हुआ है एकदम बॉर्डर के साथ मैच करके, साड़ी का बॉर्डर के साथ मैच करके ये आउटलाइन का नक्शा दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको एक डॉबी स्ट्राइप मिल जाएगा, दिस इज़ अ डॉबी स्ट्राइप, देखिए टोन ऑन टोन कलर में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, और मैंने कहा कि दिस इज़ अ 2-ply सिल्क,
और यहाँ पे देखिए डॉबी स्ट्राइप है और यहाँ पे पर्पल, तो बहुत ही अच्छा खिल रहा है कलर, ऑल ओवर साड़ी दिखा था। दिस इज अ प्लेन एंड सिंपल। आप लोगों को बात यह है कि काम कम है, मतलब नक्शा थोड़ा कम है, जरी का ऑल ओवर वर्क नहीं है शायद, पर प्लेन एंड सिंपल है, 100% हैंडलूम है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड है और आपको एकदम ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगा, इसी का गारंटी है। तो प्राइस बहुत ही कम है इसका, 5650, 5650 रुपया ये साड़ी का प्राइस है और 100% सिल्क मार्क एंड हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड भी है। तो जो साड़ी मैंने अभी दिखाया है उसी का और एक बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन मैं दिखा रहा हूँ, और ये कलर भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑरेंज और पिंक का क्रॉस ट्रेड अभी हैशटैग ट्रेंडिंग है, और ऑरेंज एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्राइट भी लगता है। और ब्लाउज पीस, जैसे कि मैंने कहा कि हर साड़ी का ब्लाउज पीस आंचल के साथ मैच करके ही मोस्टली रहेगा, तो इसमें भी कोई अलग नहीं है बात। यहाँ पे देखिए, दिस इज द ब्लाउज पीस, यहाँ पे भी आपको डॉबी स्ट्राइप मिल जाएगा एंड दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क जो कि आप लोग स्लीव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों तरफ इक्वल है। और यहाँ पर जो वर्क है, ये वर्क पूरा ऑल ओवर साड़ी में, इस साइड से भी देखिए, पूरा ऑल ओवर साड़ी में जाएगा, पूरा सेम बॉर्डर कंटिन्यू हो रहा है, और ये जो नक्शा है पूरा ट्रेडिशनल 100%, और ये ऑरेंज एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। बॉडी एकदम प्लेन है, डॉबी स्ट्राइप में है, पर बात यह है कि कलर कॉम्बिनेशन से ही ये साड़ियाँ बहुत लुक्रेटिव लग रहा है और बहुत ही ब्राइट लग रहा है, क्योंकि ये साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन ही ये साड़ी का यूएसपी है, और नक्शा भी 100% ट्रेडिशनल है, तो ऑल ओवर साड़ी देख लेंगे। पर एक बात ये जो है कि मैं बता रहा हूँ, इस दाम में थोड़ा और ज़्यादा वर्क का साड़ियाँ आपको मिल जाएगा, पर वो एक तो शायद उसमें एक धागा आर्टिफिशियल होगा, नहीं तो आपका पावरलूम का होगा, पर हम लोगों ने वैसा एपिसोड नहीं बनाया है। हम लोग जो एपिसोड बनाया है, क्योंकि उसमें कांचीपुरम सागा में हम लोग कोई भी पावरलूम का साड़ी नहीं दिखाएंगे, वी विल ओनली शो हैंडलूम साड़ीज एंड 100% सिल्क मार्क सर्टिफाइड साड़ीज। तो ये साड़ी का प्राइस भी 5650 है एंड 100% सिल्क मार्क्स, आपको 100% सिल्क मिलेगा। अच्छा, तो और एक बात यह है कि दिस इज़ अ सनफ्लावर येलो कलर, और आगे में जिसके हल्दी सेरेमनी का, जिन लोगों का है आगे शादी है, शादी आ रहा है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक कलर ऑप्शन है, क्योंकि ये साड़ी उस दिन पहन सकता है, या जो वेडिंग ट्रोजो है उसमें भी डाल सकता है, क्योंकि लड़के वालों के घर से लड़की वालों को एक हल्दी के दिन एक ट्रोजो देना पड़ता है, राइट, तो ट्रोजो में एक हल्दी का साड़ी भी देना पड़ता है। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड चॉइस, दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा ऑल ओवर। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि देखिए आप लोग, इसमें आंचल में और ब्लाउज पीस में ये ब्लू के साथ ना आपको येलो का एक क्रॉस शेड मिलेगा। आप लोग को मैं अभी शायद क्रॉस शेड समझा पा रहा हूँ, मेरा हिंदी आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं वो बात पहले बताइए, क्योंकि साड़ियाँ तो समझा दूंगा, हिंदी अगर ख़राब हो तो नहीं समझा पाऊँगा, तो प्लीज़ बियर विथ मी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी, पर आप लोगों के लिए मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। सो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सो दैट मीन्स आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई हिंदी। एनीथिंग यू हैव टू से मैडम? हमेशा टोकते रहते हो कोई भी, अब बताओ मेरा गलती क्या है? ओके, सो इस बार मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो एनीवेज, सो दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी, यहाँ पर भी आपको ब्लू और येलो का क्रॉस शेड मिलेगा एंड इट विल लुक गॉर्जियस, और ये साड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये साड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा हल्दी रस्म के लिए, और सामने में जो जिस लोगों के शादी है उन लोगों के वेडिंग ट्रोजो के हिसाब से भी आप लोग गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को। सो अगेंस्ट प्लेन एंड सिंपल, सेम नक्शा और बॉडी प्लेन डॉबी स्ट्राइप में जा रहा है, और मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए बॉर्डर में भी ये क्रॉस शेड मिलेगा आपको, सो यू कैन सी द क्रॉस शेड हियर ऑल्सो, ब्लू के साथ येलो का क्रॉस शेड, इट्स अ वेरी ब्राइट पीस, वेरी कलरफुल कलरफुल साड़ी एंड ऑल ओवर ऐसे जाएगा साड़ी, वेरी नाइस पीस, वेरी नाइस। एक सनफ्लावर येलो कलर का बॉडी है, पर हम लोग का आंचल और बॉर्डर में हम लोगों ने क्रॉस शेड, एग्जैक्टली। सो इसमें थोड़ा सा वही हम लोगों ने डिफरेंट किया है, तो इसका प्राइस है 5650 ओनली, 5650 रुपया ओनली।
अच्छा अभी ये साड़ी का और एक कलर नहीं दिखाएंगे, अभी हम लोग कोई दूसरा ही साड़ी कम्प्लीटली डिफरेंट साड़ियाँ दिखाएंगे। तो ये इट्स अ वेरी नाइस पीस। अगेन मैंने कहा है कि प्लेन एंड सिंपल दिखाएंगे, एलिगेंट रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को मेरे हिसाब से। आप लोग देखिए प्लीज थोड़ा ध्यान से, क्योंकि दिस थिंग इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इज 100% हैंडलूम सिल्क्स, नो एनी नो फैंसी डिजाइंस मेड इन पावरलूम, वैसा नहीं दिखाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू शो यू 100% हैंडलूम सिल्क्स जो कि इस प्राइस रेंज में फिट होगा, वैसे ही डिजाइंस दिखाएंगे। कोई फैंसी डिजाइंस वैसे नहीं दिखाएंगे जो कि पावरलूम में बुना हुआ हो, क्योंकि हैंडलूम कांचीपुरम सागा इज ऑल अबाउट 100% सिल्क मार्क सर्टिफाइड, 100% हैंड वोवन एंड 100% हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड। तो ये भी एक बहुत अच्छा कलर कम्बिनेशन है, हैशटैग ट्रेंडिंग है। ये थोड़ा रिवर्स कम्बिनेशन में है, उसमें ऑरेंज के साथ पिंक बॉर्डर था, इसमें पिंक के साथ ऑरेंज बॉर्डर है। इट्स लुकिंग रियली नाइस। और जैसे कि मैंने कहा, दिस ऑल द सिल्क्स आर टू प्लाई सिल्क्स, दिस आर टू प्लाई सिल्क्स। आप लोग देख सकते हैं द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक, और ये जरी का जो बॉर्डर है ये आपको ब्लाउज पीस के लिए मिलेगा। यहाँ से देखिए ब्लाउज पीस के लिए धागा छोड़ा हुआ है, यहाँ से आप लोग काट सकते हैं। और दिस इज दी आंचल, यहाँ पे आपको पट्टी आंचल मिलेगा, स्ट्राइप्स आंचल मिलेगा जरी का, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग जब ड्रेप करेंगे साड़ी को। इट्स अ फैंटास्टिक पीस, इट्स अ फैंटास्टिक पीस इन दिस प्राइस रेंज, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, वी हैवन्ट कम्प्रोमाइज्ड अ बिट इन क्वालिटी इन राइट, सो वी हैवन्ट कम्प्रोमाइज्ड अ बिट, बिकॉज ये मेरा प्रिंसिपल ही नहीं, ये पॉलिसी नहीं, ये आप लोग इतना भरोसा करके हम लोग को जो सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल को जो देखते हैं, दैट्स रियली लाइक आई एम रियली वेरी ऑनर्ड, वेरी आई फील रियली ब्लेस्ड। ये जो आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को मिलता है और आप लोगों का गाइडेंस, सबसे बड़ा बात है कि आप लोगों का फीडबैक और गाइडेंस जो हम लोग को मिलता है, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली लकी टू हैव यू ऑल जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। एंड दिस इज लाइक 4280 रुपीज, 4280 रुपया ये साड़ी का प्राइस है। एंड ये साड़ी भी सिल्क मार्क और हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड रहेगा, ये सिल्क मार्क सर्टिफाइड तो आप लोगों को दिख ही रहा है, ये सिल्क मार्क सर्टिफाइड रहेगा और हैंडलूम मार्क भी सर्टिफाइड रहेगा। आप लोग देख रहे हैं कैसे जरी के काम के ऊपर ही एक्चुअली साड़ी का प्राइस जो है वो वेरी कर रहा है। पहला वाला साड़ी में जरी का काम इससे थोड़ा ज्यादा था, वो 4900 कुछ था, फिर थोड़ा जरी का काम हेवी रिच आंचल में थोड़ा प्राइस उसमें थोड़ा बढ़ गया। इसमें भी जरी है, इसमें भी दोनों तरफ रनिंग एकदम जरी का काम है ब्लाउज पीस में आंचल में, पर क्योंकि जरी उतना नहीं है प्राइस थोड़ा सा कम है, और बॉडी एकदम प्लेन है, तो इसमें वीविंग में भी थोड़ा मेहनत कम लगा, तो थोड़ा वैल्यू भी इसका कम, पर क्वालिटी दिस इज रियली एलिगेंट, रियली एलिगेंट पीस। आप लोगों को ये साड़ी, मुझे लगता है ये बहुत वर्सेटाइल साड़ी है, ये आप शादी में भी पहन सकते हैं या किसी कॉर्पोरेट वेयर के हिसाब से भी इसको पहन सकते हैं। एनी डे एनीथिंग, इट्स अ वेरी नाइस पीस, और इसके साथ अगर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देखे पहनेंगे ना, वो माय गॉड बहुत अच्छा लगेगा, दिस इज परफेक्ट किसी भी, वेरी नाइस। And you cannot go wrong if you wear this saree, you will confidently एकदम पहन के किसी exactly, भी occasion में आते हैं। Exactly, exactly. And उसके बाद हम लोग अगला साड़ी देख लेंगे। तो ये और एक हम लोग साड़ी दिखा रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने रेशम से बुना है साड़ी में, रेशम इसमें हम लोगों ने जरी का थोड़ा हल्का इस्तेमाल किया है, पर मोस्टली हम लोगों ने रेशम का इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, हम लोग जो साड़ी खोल रहे, ये साड़ी का बोहर को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में द विड्थ ऑफ द साड़ी, विड्थ ऑफ द साड़ी। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो ऐसे जल रहा है ना, मतलब ओके स्क्रीन को सीधा रखना है सॉरी। तो एनीवेज ये साड़ी का जो ब्रेथ है ये बहुत ही मतलब यूनिवर्सल है, और चौड़ाई ये साड़ी का चौड़ाई ओके वट एवर, प्लीज गाइड करें मेरे कमेंट पे मेंशन करके कि बोहर को क्या बोलते हैं हिंदी में। तो एनीवेज जोक्स पार्ट, पर बात ये है कि कोई भी हाइट का, कोई भी हाइट या किसी भी फिगर का एग्जैक्टली फिगर का तो अब आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का साड़ी ओवर मतलब मेजरमेंट में थोड़ा ज्यादा ही रहता है, पर ये जो विड्थ है ना साड़ी का, ये साड़ी का विड्थ भी बहुत ज्यादा है नॉर्मल से, तो ये कोई भी हाइट का हो ये साड़ी एकदम परफेक्ट फिट होगा। और ये जो ब्लाउज पीस है, जैसे कि मैंने कहा हर साड़ी में आंचल के साथ मैच करके कंट्रास्ट बॉडी के साथ कंट्रास्ट कलर में पूरा दिया हुआ है, और इसमें भी एक नक्शा आपको इधर मिल जाएगा और एक नक्शा आपको इधर मिल जाएगा, तो दोनों नक्शा दोनों तरफ अलग अलग कलर में दिया हुआ है। और
दोनों तरफ के स्लीव्स में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि हल्का हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्ट्राइप करके आंचल रखा है, नहीं ये इसमें हम लोगों ने हल्का सा थोड़ा 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 करके डॉट वीविंग किया है, और ये पूरा रेशम का काम है। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा भी जरी का इस्तेमाल नहीं किया। जिन लोगों को जरी से थोड़ा प्रॉब्लम है और जरी का साड़ी पहनना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही आइडियल पीस रहेगा। मैं आंचल थोड़ा यहाँ पे दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हैं ग्रीन और येल्लो का पूरा ऐसे ऑल्टरनेट कलर्स का छोटे छोटे बूटी करके है। दिस इज दी आंचल, वेरी लाइट वेट साड़ी। सबसे बड़ी बात यह है, और एक बात जो मैं कहना भूल गया, और मैं इतना जैसे बोल रहा हूँ पर ये कैसे भूल गया मैंने, आई शुड बी पनिश्ड फॉर दैट, कि ये साड़ियाँ बहुत लाइट वेट है, वेरी लाइट वेट। मतलब ये 500 ग्राम 550 ग्राम्स ऑलमोस्ट, और मे भी बहुत लाइट वेट है। जो लोग लाइट वेट साड़ी डेली वेयर के हिसाब से, ऑफिस वेयर के हिसाब से पहनना चाहते हैं, कि थोड़ा 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 छोटा मोटा कोई मीटिंग हो गया, कॉर्पोरेट मीटिंग्स एंड ऑल, आपको साड़ी पहन के जाना पड़ेगा बॉस के साथ, कोई सेमिनार हो सकता है, परफेक्ट, कोई कॉन्फ्रेंस हो सकता है, तो कोई ऐसे बात के लिए आप लोग जरूर ये साड़ी पहन के जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, यॉक पोर्शन में ऐसे हैवी वर्क रहेगा, आंचल के पूरा आंचल में जो वर्क है वही पूरा बॉडी में कंटिन्यू रहेगा, पर यॉक पोर्शन में थोड़ा हैवी रहेगा। यहाँ पर देखिए ऑल्टरनेट कलर्स में पूरा बॉर्डर जा रहा है, और यहाँ पर येल्लो, मैं थोड़ा क्लोजअप दिखा दूँ, दिस इज द वर्क फिनिशिंग, आप लोग देखिए दिस इज द वर्क फिनिशिंग। हर एक बूटा कितना रिफाइंड वे में वीव किए हैं, पूरा 100% हैंडलूम साड़ियाँ हैं, और कलर कम्बिनेशन भी थोड़ा हटके है। देखिए पर्पल के साथ पिंक बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, तुम्हारा क्या ख्याल है? द कलर कम्बिनेशन यू चोज दिस साड़ी राइट, के यू चोज दिस, या दे आर कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर लाइक वी डू एग्जैक्टली exactly. आप लोग बताइए कि मैंने झूठ कहा कि नहीं, वी बोथ कम्प्लीमेंट इच अदर राइट। सो एनी वेज ये साड़ी भी वैसे ही जा रहा है, तो 5080 5080 रुपया ये साड़ी का प्राइस है, और सिल्क मार्क एंड हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड रहेगा। और उसके साथ सभी का फेवरेट ब्लैक कलर का साड़ी, और वो भी कांचीपुरम, दैट्स लाइक परफेक्ट, that's like perfect and you have to find reasons to wear this sari because black mere khayal se sabhi ka favorite hai, thoda moda black to sabhi ko acha lagta hai, kya kehte ho? Yeah, of course and aap log mujhe bhi dekha hai ki maine jo t-shirt pehna hai wo bhi black hai, to black ka baat hi kuch alag hai. Any colors to I love, you know, I love colors, I love all the colors, par you know sometimes I feel ke black ka kuch alag hi hota hai, you know, so ब्लैक का थोड़ा फील अलग है। जैसे कि मेरे लिए रेड इज माय फेवरेट कलर बाय द वे, सो बहुत अच्छा लग रहा है ये साड़ी। और इसमें एक बात यह है कि ग्रीन यूज़ किया है हम लोगों ने, एकदम थोड़ा हटके कलर है ये, नॉट अ बनाना लीफ कलर, दिस इज लाइक अ व्हाट शुड आई कॉल इट, व्हाट ग्रीन, आप लोग कमेंट में मेंशन करके बताए व्हाट शुड वी कॉल। सो एनी वेज दिस इज द कलका ऑफ द साड़ी, ब्लाउज पीस में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने बॉर्डर में भी इस्तेमाल किए हैं। दोनों तरफ दिया हुआ है ये ब्लाउज पीस में, और पूरा साड़ी देखिए आप लोग, फैब्रिक का टेक्सचर देखिए, शाइन देखिए, 100% सिल्क मार्क सर्टिफाइड रहेगा। एंड यहाँ पे देखिए सिल्क का जो धागा है, यू कैन सी द क्वालिटी हियर, दिस इज, दीज आर द धागाज विच वी हैव यूज्ड ऑल ओवर द साड़ी एंड बॉर्डर, दीज आर द सी, या ओके फाइन ओके, आप लोग प्लीज यू कैन इग्नोर राइट, तुम हमेशा टॉर्च लाइट लेके बैठा, तो अगर प्लूरल करना है तो वो धागास नहीं होता है, धागे होते हैं, धागा धागे धागास, यू नो इट्स ऑल द सेम, सो व्हाट, तुम हमेशा टॉर्च लाइट लेके वेट करते हो कि मैं क्या कहता हूँ, प्लीज ओके धागास, दीज आर द धागास नॉट धागे एंड ऑल। सो एनीवेज जोक्स अपार्ट, सो ये आप लोग देख सकते हैं ऑल द यू नो थ्रेड्स, चलो मैं पूरा इग्नोर ही कर दिया धागा वर्ड, तो एनीवेज आप लोग देख सकते हैं ये जो थ्रेड्स है ये पूरा शाइन देखिए थ्रेड्स का, दिस आर 100% प्योर सिल्क्स विच वी हैव यूज्ड। और यहाँ पे देखिए आंचल है, दिस इज द आंचल ऑफ द साड़ी,
और इसमें हम लोगों ने पिंक की इस्तेमाल किया है क्योंकि दीज आर लाइक एब्सोल्यूट कंट्रास्ट और बहुत ही ब्राइट लग रहा है। जैसे कि मतलब इसमें अगर कोई दूसरा कलर यूज़ करता तो थोड़ा सटल हो जाता, पर इसमें हम लोगों ने पूरा हटके एकदम पिंक इस्तेमाल किया है। तो दिस साड़ी इज़ लुकिंग वेरी ब्राइट एंड दिस इज़ लाइक अ चारकोल ब्लैक। ब्लैक का भी बहुत पैटर्न होता है, बहुत वैरायटी होता है, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट ब्लैक, चारकोल ब्लैक, जेट ब्लैक। या योर वन इज जेट ब्लैक एंड दिस इज चारकोल ब्लैक। सो इसमें हम लोगों ने ब्लैक के साथ पिंक का इस्तेमाल किया है, उसके साथ ग्रीन। मैं थोड़ा वाइड व्यू दिखा दूंगा साड़ी का, वाइड व्यू। एग्जैक्टली दिस इज द वाइड व्यू ऑफ द साड़ी, वेरी नाइस। एंड अभी कन्वेंशनल कलर्स एंड दिस इज लाइक समथिंग हटके, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो ऑल ओवर साड़ी देख लेंगे, ऑल ओवर साड़ी। और इसमें भी मैं बोलना भूल गया, इसमें भी हम लोगों ने कोई जरी का इस्तेमाल नहीं किया है। दिस इज 100% वीव्ड विद यू नो सिल्क एंड रेशम, तो पूरा रेशम का वर्क है। एंड अभी हम लोग प्राइस देख लेंगे, 5080। सो दिस साड़ी विद ब्लाउज पीस सिल्क मार्क सर्टिफाइड हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड ओनली 5080। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस कलर, थोड़ा शेड ऑफ ब्लू। और क्योंकि हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि थोड़ा हर टाइप का कलर आप लोगों को यू नो दिखा दे, कवर कर दे, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशंस थोड़ा डिफरेंट हम लोगों ने किया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा आप लोगों को कलर्स भी दिखा दे कि कैसा कैसा नया नया कलर्स आ रहा है। सो दिस इज़ लाइक अ कार्बन ब्लू कलर, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भी देखिए ग्रीन के साथ क्रॉस थ्रेड मिलेगा आपको। होपफुली आप लोगों को ऑलरेडी पता चल रहा है कि ब्लाउज पीस में और आंचल में, जैसे कि अभी ऐसा अगर मैं पकड़ूं तो अभी देखिए एक ब्लू का टिंज आ रहा है, यू कैन सी सम टिंज ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। सो इसमें क्रॉस थ्रेड है और इसमें ये नक्शा भी है, यू कैन सी द क्रॉस थ्रेड नाउ। सो यहाँ पे देखिए दिस इज द नक्शा, और ये जो नक्शा दोनों दिया हुआ है ये आप लोग स्लीव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका और एक कलर हमने एक एपिसोड के शुरू में ही दिखाया है, फर्स्ट साड़ी जो था उसी का एक और एक कलर है, और ये नैरो बॉर्डर है, ये नैरो बॉर्डर है जो कि ऑल ओवर साड़ी में जा रहा है, और यहाँ से आप लोग ब्लाउज पीस काट सकते हैं। एंड ये जो आंचल है यहाँ पर भी हम लोगों ने पूरा रेशम का ही वर्क डाला है, जरी का सिर्फ इस्तेमाल ये नैरो बॉर्डर में है। बहुत ऐसे रिक्वेस्ट आया था कि नैरो जरी का कांचीपुरम दिखाओ, नैरो बॉर्डर का साड़ी, नैरो बॉर्डर का साड़ी दिखाओ, तो उन लोगों के लिए भी ये परफेक्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसमें बॉर्डर बहुत ही नैरो है। और यहाँ पर देखिए ये ऑल्टरनेट कलर्स जो कि पूरा एकदम कंट्रास्ट में है साड़ी का बेस कलर से, वही कलर्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं और ऑल ओवर साड़ी में ये वर्क जा रहा है। और ये पूरा साड़ी हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड तो हम ऑफकोर्स रहेगा ही, और इसीलिए थोड़ा वर्क हम लोगों ने हल्का रखा है ताकि प्राइस पूरा कंट्रोल में रह सके। एंड ऑल ओवर देखिए, और ये साड़ी का ब्रेड देखिए, ये साड़ी का एक विड्थ देखिए बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल साड़ी से विड्थ ज़्यादा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये साड़ी कोई भी हाइट का हो ये आराम से पहन सकता है। और इसका प्राइस है 4920, 4920 रुपया ये साड़ी का प्राइस है। बहुत ही ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशन का एक साड़ी दिखा रहे हैं आप लोगों को, दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशन। और जो घर के बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग नहीं, यू नो यू क्या, मुझे तो ये साड़ी अपने लिए भी लेना है, या ऑफ कोर्स। सो ये साड़ी कोई भी यू नो स्पेशल ओकेशन या फेस्टिवल या घर में कोई पूजा हो या कोई होली ओकेशन, बहुत ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए ये साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन से ही पता चलता है कि लाइक इट्स अ फेस्टिव सीजन और मे बी सम ओकेशन और मे बी कोई होली थिंग, ये लाइक घर में कोई पूजा हो या समथिंग यू नो वेडिंग के हिसाब से भी। और ये साड़ी का, ये आज के एपिसोड में जितना भी हम लोग साड़ियाँ दिखा रहे हैं, अपकमिंग जिनके घर में शादियाँ हैं उन लोगों को तो बहुत साड़ियाँ देना पड़ता है ना अपने फैमिलीज में ही, तो उन लोगों के लिए भी ये एपिसोड है। आप लोग अपने रिलेटिव्स को भी एज अ यू नो रिटर्न गिफ्ट हो या कोई भी वेडिंग ट्रोजो के हिसाब से सेंड करना हो तो ये सब साड़ियाँ उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि प्राइस इन साड़ियों का बहुत कम है। और यहाँ पर देखिए ये जरी का बॉर्डर है, ये साड़ी में ओनली बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर में काम, बॉडी में कोई काम नहीं रहेगा। और देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशन है विद अ क्रॉस थ्रेड ऑफ नेचुरल टसर कलर, डार्क टसर कलर टू बी प्रिसाइज। ये थोड़ा रेड के साथ
टसर कलर का देखिए क्रॉस्टेड है, तो ब्लाउज पीस में भी क्रॉस्टेड दिया है और ये जरीका आंचल में भी क्रॉस्टेड है। ये दिस इज द आंचल ऑफ द साड़ी और इसमें भी क्रॉस्टेड है। और ये देखिए जरीका वर्क, दिस इज द बॉर्डर, इट्स अ कम्प्लीटली ट्रेडिशनल कांचीपुरम बॉर्डर। आप लोग जो साउथ में रहते हैं उन लोगों को शायद पता होगा, और जो लोग कांचीपुरम का हिस्ट्री जानते हैं उन लोगों को भी पता होगा, दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल बॉर्डर ऑफ कांचीपुरम। और बॉडी प्लेन है, प्लेन एंड सिंपल। बहुत से ऐसे होते हैं कि डेली वेयर के हिसाब से या कोई भी छोटा मोटा ओकेजन हो आ जाता है, हम अर्जेंसी जाना है, तो दीज आर द साड़ीज विच यू विल प्रेफर टू वेयर, के हल्का सा मेकअप करके लाइट वेट साड़ी कैरी करके आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये साड़ी का प्राइस आ गया, दिस साड़ीज विल बी सिल्क मार्क सर्टिफाइड, आप लोग देख सकते हैं, एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी लो, 4685, 4685 रुपया ओनली, 4685 ओनली इज द प्राइस ऑफ द साड़ी, उसके साथ आपको सिल्क मार्क एंड हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड मिलेगा। एंड अगैन लाइक मैंगो पल्प कलर विच इज़ अ वेरी नाइस कलर, दिस इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव कलर। मैं इस कलर के ऊपर और भी बहुत साड़ियाँ डेवलप करूँगा अपकमिंग मैंगो सीजन में, या तो आप लोग कह सकते हैं अपकमिंग समर में। दिस इज़ लाइक द मैंगो पल्प कलर, ये पूरा ओ गॉड, मेरा तो मुँह में पानी आ रहा है, विद अ हैवी माउथ हैवी टंग आई कैन नॉट स्पीक, सो प्लीज़ बियर विथ मी। ये ओ गॉड, इट्स अ वेरी नाइस कलर, इट्स अ लवली कलर, इट्स अ परफेक्ट मैंगो पल्प कलर, आप लोग देख सकते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो यूज लाइक मेड इट इन अ क्रॉस शेड, आप लोग देख सकते हैं, ग्रीन के साथ हम लोगों ने ये मैंगो पल्प कलर का क्रॉस शेड डाला है। और इसमें देखिए ये वर्क है जो कि स्लीव्स में एक साइड में यूज़ कर सकते हैं और ये और एक साइड में, सो दोनों तरफ स्लीव्स में इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने दोनों कलका रखा है। एंड दिस इज़ द ब्लाउज पीस, प्लेन एंड सिंपल। और इसी ये प्लेन एंड सिंपल है, इसके लिए आप लोग कोई भी और साड़ी के साथ भी इसे मैचअप कर सकते हैं, तो ये सॉरी ब्लाउज कोई साड़ी के साथ, सी यू ऑलवेज लुक फॉर माई मिस्टेक्स, वाई यू विल डू दैट, वाई ऑफकोर्स नो नो ओके एनी वेज, अब तो मुझे ऐसे बियर करना ही पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं, एनी वेज चलो कोई बात नहीं, लेट्स गेट इन टू द एपिसोड अगेन। सो ये आंचल है और इसमें देखिए रेशम का वर्क है, इसमें भी जरी का इस्तेमाल नहीं है। और आप लोग देखिए ये आंचल में हम लोगों ने थोड़ा वीविंग को हैवी किया है, आंचल का जो वीविंग है वो 4-ply सिल्क का है, पर बॉडी का जो है वो 2-ply का है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आंचल में वीविंग 4-ply का है, बॉडी में 2-ply का है, तो आंचल का वीविंग थोड़ा आपको हैवी मिलेगा। दिस इज़ द टेक्स्चर ऑफ द फैब्रिक, और मैं आंचल थोड़ा वाइड व्यू में दिखा देता हूँ। सो आप लोगों को ये पिंक कलर का कलका मिल जाएगा, ये नक्शा, और इसके साथ ये लीफ मोटिव भी मिलेगा, तो दोनों मोटिव अल्टरनेट करके वीव किए हैं, उसके साथ आंचल में ग्रीन के साथ क्रॉस्टेड रहेगा। और दिस इज़ द बॉडी कलर जो कि परफेक्ट आपको मैंगो पल्प कलर के हिसाब से है, एंड ऑल ओवर साड़ी देख लेंगे। और यॉक पोर्शन में वर्क हैवी है, वर्क पोर्शन में बूटा ज़्यादा है, और बाकी जैसे साड़ियाँ आगे जाएगा प्लीट्स के तरफ थोड़ा वर्क हल्का होता जाएगा और पैनल करके रहेगा, जैसे कि मानिए यहाँ पर एक वर्क का स्ट्राइप दिया है, फिर वहाँ तो बीच में थोड़ा गैप दिया है, इसके लिए साड़ी का वेट भी कंट्रोल रहेगा और प्राइस भी। और ये नक्शा का बूटा जो है ये बॉर्डर में पूरा कंटिन्यू रहेगा ऑल ओवर द साड़ी, और ये द कलर इज़ लुकिंग सो नाइस, वेरी नाइस कलर। सो ये साड़ी का प्राइस आ गया, this is the price of the saree is 5080 and it is a silk mark certified saree, so very nice color, very nice of course I must say, and ye bhi tumne choice kiya ki aaj dikha do, so thank you so much। So this is another saree, aur ye pink color ke sath वैसे ही सेम कम्बिनेशन में जाएगा, जैसे कि मैंने और एक साड़ियाँ दिखाया था, बॉर्डर और आंचल में क्रॉस्टेड रहेगा और बेस कलर ऑफ द साड़ी सॉलिड कलर रहेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, जैसे कि बेस कलर ऑफ द साड़ी में क्रॉस्टेड रहता है, पर हम लोगों ने ब्लाउज पीस आंचल और बॉर्डर में क्रॉस्टेड डाला है। सो वाओ, प्लीज आप लोग कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि आज का एपिसोड कैसा लग रहा है आप लोगों को, और आप लोगों का बात मैंने सुना है, सो ऑलवेज नो कि मैं आप
शिंजन हमेशा आप लोगों का फीडबैक मानता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों से ये विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल बी अ बिग सपोर्ट टू अस। और आप लोगों के आशीर्वाद से और सपोर्ट से हम लोग का चैनल इज़ नाउ नियरिंग 30,000 सब्सक्राइबर्स, सो वी आर रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल नॉट कॉस्ट यू एनी मनी बट इट विल बी अ बिग सपोर्ट, थैंक यू सो मच। और ये ब्लाउज पीस है, यहाँ पे देखिए दिस इज़ लाइक अ जरी वर्क और यहाँ पे हेरिनबॉन वीविंग किए हैं हम लोगों ने ब्लाउज पीस में, ये जरी का हेरिनबॉन वीविंग है। और यहाँ पे देखिए एक कलका दिया है जरी का जो कि स्लीव्स में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्लीव्स में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेरिनबॉन वीविंग का बॉर्डर है और ये कलका है जो कि आप लोग स्लीव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आंचल, आंचल में हम लोगों ने स्ट्राइप मोटिव में जरी का इस्तेमाल किया है, स्ट्राइप मोटिव में जरी का इस्तेमाल किया है एंड इट्स लुकिंग लवली, दिस इज़ अ लवली लुकिंग साड़ी। और यहाँ पे देखिए ग्रीन का शेड क्रॉस शेड में है, थोड़ा येलो और ग्रीन का क्रॉस शेड है बॉर्डर में, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कलर। मैं आप लोगों को क्लोजअप दिखा दूँ, सी द बॉर्डर, यहाँ से आंचल जो है दी आंचल कलर इज़ डिफरेंट, दिस इज़ अ वेरी नाइस ग्रीन कलर। और इसके साथ हम लोगों ने ग्रीन के साथ मास्टर्ड कलर का क्रॉस शेड दिया है, सो आंचल का जो कलर है दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कलर। और यही कलर का बूटा भी हम लोगों ने बॉडी में डाला है, देखिए यही कलर का बूटा हम लोगों ने बॉडी में भी डाला है। और साड़ियाँ ये जो हेरिनबॉन बॉर्डर है जरी का पूरा ऑल ओवर साड़ी में ऐसे ही कंटिन्यू पूरा जाएगा और दोनों तरफ आपको ये मिलेगा, एक तरफ नहीं दोनों तरफ मिलेगा। और मैं पूरा वाइड व्यू दिखा देता हूँ, इट्स लुकिंग लवली। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मैंशन करके बताइए ये साड़ी कैसा बना है, ऑल ओवर साड़ी देख लेंगे। यॉक पोर्शन में जैसे कि मैंने कहा यॉक पोर्शन में देख सकते हैं थोड़ा हैवी वर्क है बूटा का, पर जैसे कि प्लीज की तरफ जाएगा थोड़ा बूटा हल्का होता जाएगा पैनल करके, पर ऑल ओवर रहेगा, थोड़ा गैप ज़्यादा हो जाएगा पर ऑल ओवर रहेगा साड़ी में। तो अभी साड़ी का प्राइस आ गया, दिस साड़ी विल ऑल्सो बी सिल्क मक सर्टिफाइड और ये साड़ी का प्राइस है 5380, 5380 रुपया ये साड़ी का प्राइस है एंड इट्स अ लवली पीस। तो ये साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन टोन ऑन टोन में रखा है हम लोगों ने और देख सकते हैं आप लोग, वी आर जस्ट ओपनिंग द साड़ीज इन फ्रंट ऑफ यू विच हैज़ जस्ट अराइव्ड। और दिस इज़ अ टोन ऑन टोन कलर कॉम्बिनेशन, टर्क्वेश ब्लू के साथ हम लोगों ने रॉयल ब्लू का इस्तेमाल किया है, टर्क्वेश ब्लू का जो कलर है उसमें थोड़ा टू टोन हम लोगों ने डाउन किया है, जस्ट टू टोन डाउन किए हैं हम लोगों ने। और ब्लाउज पीस और आंचल में आपको क्रॉस्टेड मिलेगा, यू कैन आई गेस आप लोगों को मैं क्रॉस शेड समझा पाऊंगा, सी देयर इज अ रॉयल ब्लू एंड पर्पल क्रॉस शेड हेयर, इफ़ यू कैन सी हेयर लाइक लेट मी होल्ड, या एग्जैक्टली यू कैन सी द क्रॉस शेड हेयर। सो क्रॉस शेड है पर्पल का और रॉयल ब्लू का पूरा साड़ी का ब्लाउज पीस में और आँचल में। और आप लोग आँचल देखिए, ये जरी का आँचल है, मैं क्लोज अप दिखा दूँ आप लोगों को, ये जरी का आँचल है ऑल ओवर द आंचल ऐसे ही स्ट्राइप मोटिव में जाएगा। और मैं आप लोगों को बॉर्डर दिखा दूँ, एकदम ट्रेडिशनल बॉर्डर है, वीविंग का टेक्सचर देखिए, नक्शा देखिए, 100% हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड, 100% सिल्क मार्क सर्टिफाइड, क्वालिटी में 1% का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को प्रोग्राम में, कैमरे के पीछे से नहीं कैमरे के सामने से नहीं, हमेशा मानता भी हूँ के भले ही 2 दिन ज़्यादा लगे 5 दिन ज़्यादा लगे पर फिनिशिंग में आई विल नॉट कम्प्रोमाइज़ एटलीस्ट 0.1% भी। तो प्लेन एंड सिंपल बॉडी है, बॉडी प्लेन है, जरी का आंचल है और दोनों तरफ आपको नैरो बॉर्डर मिलेगा। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट नैरो बॉर्डर साड़ी का भी देखने का आया था, तो ये नैरो बॉर्डर भी है और कम प्राइस रेंज का भी है, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है ये साड़ी। एंड कलर कम्बिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, ये कोई भी ऑफिस वेयर के हिसाब से कोई भी पहन सकता है, लाइक शी कैन वेयर एंड गो जस्ट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मीटिंग्स एंड ऑल, या कॉलेज में भी पहन के जा सकता है, इट्स अ वेरी नाइस पीस। और ये साड़ी का प्राइस है 4685, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन, ट्रेडिशनल पीस के हिसाब से बॉडी एकदम प्लेन है, बहुत अच्छा लग रहा है। और होपफुली जो टीनेजर्स यू नो फर्स्ट टाइम शादी में किसी का साड़ी पहनने का सोच रहे हैं, पर ऑफ कोर्स क्योंकि टीनेजर है ज़्यादा हैवी ब्रोकेट कांजीवरम उतना शायद सूट नहीं करेगा, तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए जो पहली बार लाइफ में ट्रेडिशनल साड़ी पहनने का सोच रहे हैं उन लोग के लिए भी ऐसी साड़ियाँ परफेक्ट हैं, कैरी अच्छा कर पाते हैं।
एग्जैक्टली और ये सब साड़ियाँ इसीलिए और एक रीज़न में मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि बॉडी प्लेन है, ब्लाउजेज में और ज्वेलरी में और मेकअप में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, यू विल नॉट लुक लाउड। ये इसके मतलब ये साड़ी इतना लाइट है डिज़ाइन में, तो आप लोग कोई भी ज्वेलरी मतलब बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, यू विल नॉट लुक लाउड। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग प्लस फॉर दिस टाइप ऑफ साड़ीज। उसके बाद ये जो साड़ी है घर के बुजुर्गों को भूलने से नहीं चलेगा, मारेंगे मुझे पकड़ के, तो उन लोगों के लिए उन लोगों के मतलब उन लोगों के आशीर्वाद से उन लोगों के लिए ये साड़ी दिखा रहा हूँ। पर देबांजलि ने कहा कि ये साड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। Exactly. मतलब इतने मतलब कोई मतलब यू जस्ट नीड अ रीजन टू वेयर दिस साड़ी, ये घर के बुजुर्ग के नाम से खरीद लीजिए, वार्डरोब में जब रहेगा वो सब आपका ही है, वार्डरोब में जब एक बार अंदर आ जाएगा तो पूरा आपका ही है। तो ओ गॉड That was rude. That was smart. Of course, I will agree to that. But that was rude. Okay. I hope that your dadi ye saari. Pehle to. I just hope that ye episode tumhare nani ya dadi nahi dekh rahe. Nani dekhegi, no problem. She already knows. Okay. तो anyways, this is the blouse piece of the saree और ये आप इसमें देखिए, आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे हम लोगों ने ये स्ट्राइप इस्तेमाल किया है और ये स्ट्राइप पूरा ब्लाउज पीस तक भी आ रहा है, पूरा ये स्ट्राइप्स पूरा ब्लाउज पीस तक आ रहा है और इसमें नेचुरल फैब्रिक कलर के साथ पिंक कलर का क्रॉसेड है, होपफुली आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली ट्रेडिशनल बॉर्डर, ये क्लोज अप दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इट्स अ वेरी नाइस पीस। यहाँ पे देखिए हेरिनबोन वीविंग है, नैरो बॉर्डर और यहाँ पे नक्शा है जो कि एकदम कम्प्लीटली ट्रेडिशनल है। और यहाँ पर जो आंचल है ये इतना लाइट वेट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एज का पहन सकता है, क्योंकि साड़ी का इत लाइट वेट इतना है पर इट लुक्स रियली वेरी एलिगेंट, वेरी एलिगेंट द कलर कॉम्बिनेशन। ब्लैक नहीं है, रेड नहीं है, सो इट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस, एग्जैक्टली, सो चेक फॉर दैट। सो यहाँ पे देखिए टोन ऑन टोन में इसमें भी डॉबी स्ट्राइप्स है, सो इसमें देखिए टोन ऑन टोन में डॉबी स्ट्राइप्स है, इसमें थोड़ा डार्क फैब्रिक है, इसमें थोड़ा लाइट, सो इट्स अ वेरी नाइस पीस। आप लोग जब पहनेंगे स्ट्राइप्स पूरा समझ में आएगा। एंड ऑल ओवर साड़ी अभी दिखा दो, और दोनों तरफ का बॉर्डर में इक्वल वर्क डेंसिटी रहेगा दोनों तरफ के बॉर्डर में, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, राइट, कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट ये बहुत ही अच्छा पीस है, और विच इज सिल्क मार्क एंड हैंडलूम मार्क सर्टिफाइड। सो ऑल ओवर साड़ी ऐसा गया, एंड अभी प्राइस दिखा देंगे, प्राइस आ गया 5085 ये साड़ी का प्राइस है। सो अभी टाइम आ गया देबांजलि का शो स्टॉपर साड़ी का, और क्या रखा है देबांजलि ने देख लेते हैं। क्या रखा है बोलने से पहले मैं थोड़ा सॉरी बोल दूंगी, क्योंकि मैं पहले ही बोलती हूँ ये 5K के अंदर नहीं है, पर एज यू नो मुझे जो चीज बहुत पसंद आता है मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों को भी दिखाने के लिए। तो एज यू कैन सी ये मेरे साड़ी जैसा ही है, वो डिफरेंट कलर का है, एंड आई डोंट नो मुझे अभी लग रहा है मुझे ये ब्लैक छोड़ के शायद ये वाला लेना चाहिए था, बट ब्लैक मेरा वीकनेस है तो मैंने ब्लैक लिया। This is also very nice, very nice. Nice. Yeah. So you're getting confused, okay. So anyway, so yeah, you will also get two color options, of course. So this is like a royal blue color. It's a very nice piece. So this is Debanjali's showstopper sari for this episode. And this is the blouse piece. And yahan par dekhiye, this is the narrow stripes. ये नैरो स्ट्राइप्स है जो कि हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, दिस इज द 100% ट्रेडिशनल नक्शा ऑफ कांजीवरम। सो इसका देखिए बैक साइड का वर्क देखिए, द फिनिशिंग ऑफ द वर्क कितना माइन्यूटली वीव किए हैं हम लोगों ने कारीगर ने, दिस इज द बैक पोर्शन एंड दिस इज द फ्रंट पोर्शन, सो वेरी नाइसली वीव साड़ी, प्लेन एंड सिंपल ब्लाउज पीस है, रॉयल ब्लू कलर में है, एंड वाओ सर दिस इज द वाइड व्यू ऑफ द साड़ी। एंड एग्जैक्टली सेम साड़ी का ब्लैक कलर देबांजलि ने लिया है, विच इज अ ब्लैक एंड मस्टर्ड कलर, एंड दिस इज द आंचल ऑफ द साड़ी, इसमें भी एकदम पूरा हैवी नक्शा से वीव किए हैं, पट्टू आंचल है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो पूरा साड़ी मैं बता दूं, ये पट्टू आंचल जो है यहाँ पे देखिए, क्लोज अप दिखा रहा हूँ, वेरी नाइस, और यहाँ पे देखिए ये
पूरा नक्शा जा रहा है ऑल ओवर, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ इक्वल साइज का बॉर्डर रहेगा। मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक तो साड़ी का विड्थ जो कि बहुत है, जो साड़ी का विड्थ है मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो विड्थ है, चौड़ाई है साड़ी का, वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए कोई भी हाइट का पहन सकता है, इट विल फिट एनीवेज। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये नक्शा दिया है, सो वेरी नाइस पीस। यहाँ पे ये कांचीपुरम नक्शे का पूरा ऑल ओवर ऐसे ही जा रहा है, और इसमें देखिए ये चेक्स नहीं है, पर इसमें देखिए एक स्ट्राइप्स, मतलब एक स्ट्राइप हम लोगों ने ऐसे ही येलो कलर का, लाइट मस्टर्ड कलर का यूज़ किए हैं, और ऐसे छोटे छोटे डॉट बूटी का हम लोगों ने ऐसे पैटर्न वीव किए हैं, ऐसे एक पूरा कंटिन्यू बॉर्डर डाला है और उसके साथ छोटे छोटे बूटी का ऐसे डाला है, तो दिस इज डाइसेक्टिंग बोथ द लाइंस, सो उसके हिसाब से जैसे चेक्स बन गया, तो इट्स लुकिंग लाइक चेक्स बट इट इज़ नॉट चेक्स, सो दिस इज द लाइक मैजिकल फंडा ऑफ दिस साड़ी। और बॉडी प्लेन है एंड यू कैन सी द कलर कॉम्बिनेशन, दिस इज लाइक अ वेरी न्यूली न्यू अराइवल कलर, दिस इज द कोरल ग्रीन कलर, थोड़ा डार्क कोरल ग्रीन है, कोरल ग्रीन का थोड़ा डार्क टोन है पर द बेस कलर इज कोरल ग्रीन विच इज न्यूली डेवलप्ड इन आवर फ्यूजन स्टूडियो। एंड ऑल ओवर साड़ी देख लेंगे एंड दोनों तरफ का बॉर्डर मैं आप लोगों को दिखा दूँ एकदम पास से, एक हल्का सा क्रॉस चेक भी नजर आएगा आप लोगों को, और बॉडी एकदम प्लेन है, प्लेन एंड सिंपल, एंड इट्स अ वेरी एलिगेंट पीस आई मस्ट से, इट्स लुकिंग लवली। बहुत डेंस वीविंग है, एग्जैक्टली बहुत डेंस वीविंग है, और आप लोग देखिए ये छोटे छोटे जो बूटी हैं ये ऑल ओवर साड़ी में कंटिन्यू जा रहा है, तो मान लीजिए पूरा साड़ी में मिनिमम आप लोगों को मिल जाएगा एटलीस्ट 50,000 बूटीज मिल जाएगा, छोटा ये छोटे छोटे मोर देन 50,000 बूटीज ऑल ओवर साड़ी में दोनों तरफ में है, सो इट्स वेरी मतलब हार्ड यू नो टाइम, मतलब इट लुक टुक रियली लॉट ऑफ टाइम टू वीव दिस काइंड ऑफ साड़ीज, पर आज के एपिसोड के लिए थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, पर ये वर्क के लिए है, ये साड़ी का इतना रिफाइंड वर्क के लिए ही है, थोड़ा वर्क ज़्यादा है, जैसे कि मैंने कहा वो साड़ियों का प्राइस थोड़ा कम था क्योंकि वर्क भी कम था, इसमें वर्क थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, थोड़ा ही ज़्यादा है। ये साड़ी का प्राइस है 7575 रुपया ये साड़ी का प्राइस है, और ये साड़ी भी हैंडलूम मार्क एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड रहेगा। और इस एपिसोड में मैंने कोई भी पावर लूम का साड़ी या कोई भी एक धागा भी आर्टिफिशियल सिल्क का यूज इस्तेमाल किया है, मैं कांचीपुरम सागा का कोई भी एपिसोड में नहीं दिखाऊंगा। सो कांचीपुरम सागा का सेकेंड चैप्टर भी खत्म हो गया, पर बहुत सारे आगे में चैप्टर्स आएंगे, और आज के एपिसोड पूरा आप ही लोगों का रिक्वेस्ट से बनाया है, जैसे कि आप लोगों ने यू नो कम्युनिटी पोस्ट में हम लोगों को फीडबैक दिए हैं उसी के हिसाब से बनाया है, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे, हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड। सो और कोई भी सजेशंस हो, कोई भी मतलब फीडबैक हो, कोई नेगेटिव थिंग हो, आज के एपिसोड कोई भी साड़ी आपको अच्छा नहीं लगा हो, उसका रीजन कोई भी हो, प्लीज कमेंट में मेंशन करके बताइए, जो कि मेरे लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी मतलब सजेशंस हो, प्लीज ओपनली फीडबैक दीजिएगा कमेंट मेंशन करके, एक बार भी नहीं सोचिएगा कि लिखूं या ना लिखूं, कोई भी कुछ भी मन में आए जरूर लिख दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दैट विल बी अ बिग सपोर्ट, थैंक यू सो मच, प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच टू देम, एंड जिन्होंने नहीं किया है उसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कर लीजिए, आप लोग को बहुत सारे आगे में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स के साड़ियाँ दिखाएंगे और बहुत रिजनेबल प्राइस में भी देंगे, ये वादा है मेरा, और आप लोग को कभी निराश नहीं होने देंगे, थोड़ा हो सकता है क्योंकि इस दुनिया में आप लोगों को पता है कि 100% सेटिस्फाई करना इट्स नॉट पॉसिबल, 100 पीपल को भी मतलब 100 में से 100 पीपल को सेटिस्फाई करना इट्स नॉट पॉसिबल, पर आई ऑलवेज ट्राई टू एटलीस्ट मेक इट 99। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम, बहुत जल्द मिलेंगे हमारे अगले हिंदी सीरीज में, और शायद उससे पहले भी आपसे आप लोगों से पूछ ही लेंगे कि किसमें बनाए, तो उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, सो वेट फॉर दैट कम्युनिटी पोस्ट इफ वी couldn't decide like get confused, so आप लोगों का suggestions जरूर लेंगे, lifeline की तरह, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, whatever you say, so stay care, stay blessed, stay good, Godspeed, peace, and enjoy Pongal, bye everyone, bye, ठीक है ना, ना
তুমি না ইচ্ছা করে এদিকে করো তাহলে আমার মুখের কাছে বেশি আসে, তুমি এদিকটা করো তাহলে এদিকে 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 স্পেসটা কম। না 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 না, ইয়েস ইয়েস।